नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी N99 न्यूज वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए डालते हैं आज की खबर पर नजर। नाजरीन, खबर के अख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, जिससे हमारे खबर की इत्तला आपको मिलती रहेगी। आइए डालते हैं इस खबर पर। टीचर कॉलोनी में खातून पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले सरपरेशक को मीरपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक 25 साला राहुल गौड़, जो पेशे से तिजारत करता है, एक साल पहले एक दोस्त की तकारीब में राहुल एक शादीशुदा खातून से एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला हो गया था और राहुल उस खातून का नंबर लेकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर मुसलसल हिरासा करने लगा। जब खातून ने उसे मना कर दिया तो वो अपना बनाने की कोशिश में उसके घर गया और उस खातून को धमकी दी कि वो उसे बदनाम कर देगा, जिसके बाद खातून और उसके शौहर ने उसे समझाया। जब वो नहीं समझा तो खातून ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर निर्भय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और राहुल को जेल भेज दिया गया था और यही केस कोर्ट में ट्रायल पर है। राहुल बेल पर बाहर आया और उस खातून से बदला लेने का मंसूबा बनाकर एक कुल्हाड़ी खरीदी और उस खातून के घर जाकर उस पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून का बाजू और हाथ जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए नवीना दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बादशाह मीरपेट पुलिस ने राहुल पर दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आइए नाज़रीन डालते हैं इस खबर पर तफसीली रोशनी, जिसे पेश किया है हमारे नुमाइंदे जहांगीर अली ने।